कल पेश होने वाले बजट में सरकार के सामने ग्रोथ और राजकोषीय घाटे दोनों को ही साधने की चुनौती है। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक 7 मुद्दों पर फोकस कर इन दोनों चुनौतियों से जीता जा सकता है। देश कोविड और आंदोलन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके साथ ही लोगों की नजर 1 फरवरी से आने वाले बजट पर टिकी हुई है, जहां सरकार के सामने ग्रोथ और राजकोषीय घाटे दोनों को साधने की चुनौती है। दरअसल कोरोना महामारी ने दुनिया भर की सरकारों और व्यापारियों को अपने तौर तरीकों में बदलाव के लिए मजबूर किया है, लेकिन अब तेजी से वैक्सीनेशन के साथ भारत एक बार फिर से विकास के रास्ते पर वापसी कर रहा है। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञ 7 मुद्दों के बारे में बता रहे हैं, जिन पर फोकस करके सरकार ट्रैक पर लौटती भारत की ग्रोथ को और तेज कर सकती है। इनमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था और आत्मनिर्भरता का सपना मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से ही साकार हो सकता है। हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ के लिहाज से पिछले बजट में NIP यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा की गई थी। इसके तहत 2020 से 2025 के बीच करीब 7,300 परियोजनाओं पर 111 लाख करोड़ रुपए खर्च होने हैं, लेकिन इन परियोजनाओं के बारे में अभी और स्पष्टता की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय बजट 2021 में NIP को लागू करने और रोडमैप पेश किया जाना चाहिए। सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तेजी लाए, साथ ही टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित करने पर फोकस करें। एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। कोरोना प्रसार के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर ने शानदार वृद्धि की है। देश में सबसे ज्यादा लोग इसी सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए बजट में सरकार को कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए योजनाओं और छूट की घोषणा की जानी चाहिए, क्योंकि कृषि की ग्रोथ मजबूत होने का सीधा असर रोजमर्रा की जरूरत के सामानों, ऑटो और MFCG सेक्टर पर पड़ता है। वहीं बात रियल एस्टेट की करें तो 2020 में ज्यादातर समय सुस्त पड़े रहने के बाद अब सीमेंट, स्टील और पेंट जैसे सेक्टर में भी तेजी आने की उम्मीद है। इसलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दरों पर लोन दिया जाना चाहिए और विदेशी निवेशकों को भी इस सेक्टर में मौका दिया जाना चाहिए। ये सेक्टर अपनी गति को वापस पा सका तो प्रवासी और अकुशल मजदूरों को फिर से काम मिल सकेगा, जो महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में कटौती की जानी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद को बढ़ाया जाना चाहिए। इज ऑफ डूइंग बिजनेस से बढ़ेगा विदेशी निवेश। सरकार के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है, एक तरफ अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो दूसरी ओर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना है। ऐसे में विदेशी निवेश सरकार की मुश्किलें आसान कर सकता है। चीन से आने वाली कंपनियों को बड़े पैमाने पर भारत में आकर्षित करने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की जरूरत है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्स है जिससे किसी देश के कारोबार में सुगमता का पता चलता है। इसमें लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुंच, पारदर्शिता जैसे पैमाने शामिल हैं। विश्व बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में भारत 63वें स्थान पर है। भारत को निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। केंद्रीय बजट 2021 में देश के निर्यात को बढ़ाने पर जोर देना होगा। इसके लिए उन वस्तुओं पर फोकस करना होगा जिनका निर्माण दूसरे देशों के मुकाबले भारत में ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। सरकार को ऐसे उत्पादों पर टैक्स छूट देने और इनका निर्यात बढ़ाने के प्रबंध करने होंगे। ऐसा ही एक सेक्टर दवाइयों का है। भारत वियतनाम को दवाओं की सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। हाल ही में फिच सॉल्यूशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा भी है कि वियतनाम की फार्मा इंडस्ट्री सिर्फ 53% जनसंख्या की मांग पूरी कर सकती है। ऐसे में वहाँ भारतीय दवाओं की भारी खरीद की संभावना है। रिसर्च को बढ़ावा देना होगा। भारत को अपने उत्पादों के लिए वैश्विक स्तर की गुणवत्ता हासिल करनी है तो उसे रिसर्च को बढ़ावा देना होगा। ऐसा हुआ तभी भारत आने वाले सालों में
दुनिया की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे में ये बात दोहराई गई है। इसमें कहा गया है, भारत का बिजनेस सेक्टर R&D पर बहुत कम खर्च करता है। भारत को इस कमी को दूर करना होगा और रिसर्च पर खर्च बढ़ाना होगा। देश के अच्छे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज को R&D के लिए पैकेज भी दिया जाना चाहिए और इंस्टीट्यूट को सीधे टेक्नोलॉजी कंपनियों से जोड़ा जाना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर में भी और स्थिरता लाना जरूरी। बड़े कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल घरानों को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बैंकिंग लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए। इससे कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को अच्छी सेवाएं मिल पाएंगी। इसके अलावा विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी की जानी चाहिए और उन पर टैक्स रेट उतना ही कर देना चाहिए जितना भारतीय बैंकों पर है। इसी तरह लंबे समय के लिए निवेशकों को जोड़ा जा सकेगा। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना जरूरी है। सभी को इंतजार है कि सरकार खर्च को बढ़ाए, जैसा अक्सर आर्थिक मंदी के दौरान किया जाता है, लेकिन ये खर्च कैसा होगा तय करना जरूरी है। सरकार मूलभूत सुविधाओं में आ रही कमी को पूरा करने के लिए एक बैंक का निर्माण भी कर सकती है। इसके अलावा उधार लेना, निवेश कम करना और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कुछ और तरीके हैं जिससे खर्च में बढ़ोतरी की जा सके। इसके अलावा GST रेट में स्थिरता लाना, टैक्स बेस को बढ़ाना आदि राजस्व बढ़ाने के अन्य तरीके हो सकते हैं। सरकार लोगों को इनकम टैक्स भरने के लिए उत्साहित करके टैक्स से बचने के रास्ते बंद करके भी राजस्व जुटा सकती है। दरअसल सरकार अगर राजस्व खर्च को कम करते हुए कैपिटल खर्च बढ़ाती है तो निवेशकों को इससे खुशी होगी, भले ही इससे अगले कुछ सालों के लिए राजकोषीय घाटा बढ़ता रहे, क्योंकि एक बार अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली तो सरकार अपने खर्चों की वसूली भी कर लेगी। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।